यहाँ पर है सांभर और गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल सफर छत्तीसगढ़। आज मैं आप लोगों को लेकर आ गया हूँ भिलाई का मैत्री बाग जू दिखाने के लिए। यह लगभग 2 साल से बंद था कोरोना की वजह से, लेकिन 1 मार्च से फिर से खोल दिया गया है पर्यटकों के लिए। और आज भिलाई में फ्लावर्स हो रहा है, इसलिए यहाँ पर आया था वीडियो शूट करने के लिए। साथ ही साथ आपको भिलाई का चिड़ियाघर भी दिखाने वाला हूँ। चिड़ियाघर खुल गया है, तो चलिए चलते हैं और आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। ब्लॉग पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही साथ अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर इनेबल कर लीजिए, ताकि आपको हमारे हर वीडियो के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिलते रहें। तो ये है गाइस भिलाई का मैत्री बाग जू का एंट्री गेट, और बाहर आप देख सकते हैं काफ़ी सारे पर्यटक दिखाई दे रहे हैं। लोग दूर दूर से यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं, और एक बार फिर से अब खुल गया है, इसलिए लोग लगातार आते जा रहे हैं घूमने के लिए चिड़ियाघर में। यहाँ से मैत्री बाग अलग अलग तरह की चिड़िया और जानवर से रखते हैं। सबसे पहले वहाँ देखते हैं, वो पहले वाले ब्लॉक में है लव बर्ड। देखिए पहले वाले ब्लॉक में है लव बर्ड, सुंदर। ये देखिए गाइस सामने लव बर्ड, काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं। और इधर वाले ब्लॉक में भी है लव बर्ड्स। इधर है कोकाटिल, यहाँ पर भी है कोकाटिल। नीचे बहुत सारे घूम रहे हैं। अंदर में है बजरी घर, और इसमें है गाइस पैरोट। और इधर है नेवला, देखिए नेवला अंदर में बैठा है, सोया है। इधर देखते हैं इधर क्या है। इधर है गोह, क्या है भाई गोह, अंदर में है गोह। इधर है बारन उल्लू, अंदर देखिए बारन उल्लू। वो देखिए कोने में है बारन उल्लू। इधर है स्टार टॉर्टाइस, कहाँ है भाई, अच्छा ये है। इसकी जो शरीर है उसमें स्टार बना हुआ है। एरिया में देख लिए हैं, अब यहाँ पर जाएंगे। यहाँ पर ये वाले एरिया में है पेलिकन, पेलिकन ग्रे, चीतल और हिरण। इधर चलते हैं, ये सबसे पहले यहाँ पर है, ये वाले ब्लॉक में क्या है देखते हैं। इसमें डक है शायद, बतख वगैरह है। हाँ इसमें इसमें है रोजी पेलिकन, इसका जो उम्र रहता है वो 20 से 25 साल का रहता है, और भोजन में मछली और मेंढक खाते हैं। तो मछली है, अंदर में बड़ा बड़ा मछली डाला गया है उसके भोजन के लिए। इधर ही आ रहे हैं, बहुत खूबसूरत लग रहा है भाई। तो देखो मछली, तो ग्रे पेलिकन देख लिए हैं, अब आपको हिरण दिखाता हूँ। तो देखिए बहुत सारे हिरण हैं, तो देखिए कितने सारे हिरण हैं गाइस, तो दूर दूर तक हिरण ही हिरण। यहाँ पर रखा गया है भालू, चलिए देखते हैं भालू को। अंदर तो आपको दिखाते हैं इमू, यहाँ पर इमू रखा गया है। और इमू कैसा होता है गाइस मैं आपको दिखाने वाला हूँ अभी। वहाँ पर देखिए चर रहा है वो, मतलब घास वगैरह खा रहा है। ये घास फूस अनाज वगैरह खाते हैं। वहाँ पर अंदर भी घूम रहे हैं इमू, तो यहाँ पर है गाइस इमू। ये देखिए कैसे हाथ तो, क्या खा रहे हैं। देखा बेटा एक तो दुकान देने। तो यहाँ पर है गाइस तेंदुआ जो अंदर घूम रहे, देख सकते हैं आप जाली में। सुनने होता क्या
तो यहाँ पर रहता है वाइट टाइगर, जो अभी दिखाई तो नहीं दे रहा है, अंदर होगा शायद। उधर है वाइट टाइगर, वो सोया है। तो देखिए ये जो पेड़ दिखाई दे रहा है आपको, ये पेड़ के पीछे वो सोया हुआ है वाइट टाइगर। यहाँ पर है सांभर और ये बहुत पास आ चुका है। ये देखिए बड़े बड़े सींग हैं और पानी के बीच में बहुत सारे सांभर हैं उधर, और ये इधर एक आ रहा है। फोटो लेंगे कि सांभर करेंगे, प्रमुख के साथ फोटो लेते हैं सांभर। तो सांभर देख लिए हैं, अब दूसरा एरिया तरफ चलते हैं। उधर चलते हैं, इधर और भी शेर वगैरह हैं और जो भी जानवर हैं वो सब देखते हैं। यहाँ पर गाइस वाइट शेर को रखा गया है, जो कि वो जो कोना है वहाँ पर सोया हुआ है वाइट शेर। शायद मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा क्योंकि बहुत दूर में है वो, और अभी सोया है। काफ़ी सारे पर्यटक लोग आए हैं घूमने के लिए, देखने के लिए। देखिए और उधर आपको लेकर चलते हैं, उधर देखते हैं कि कौन कौन से जानवरों को रखा गया है। तो चलते हैं, अपन उल्टा साइड से चल रहे हैं। देखिए बाकी फ़िलहाल इधर आप गार्डन वगैरह देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत है। इधर बारह सिंगा वगैरह को रखा गया है। क्या चीज़ है भाई? नील गाय है, नील गाय। ये नील गाय है, ये नील गाय है। दो नील गाय हैं और उधर और लेकर चलते हैं आप लोगों को। काफ़ी सारे लोग आए हैं घूमने के लिए। तो यहाँ पर है गाइस हिमालयन काला भालू, ये चलते हैं और देखते हैं वो अंदर में है। दिख नहीं रहा बहुत अच्छा। ये घड़ियाल है और मगरमच्छ के जैसा दिखता है वो। देखिए कोने में घड़ियाल बैठा हुआ है और एक घड़ियाल यहाँ पर से सामने पे देख, सामने देख कितना बड़ा है, देखा? ये एक और है यहाँ पे कोने में बैठा हुआ है। देख देख कहाँ जा रहा है, इधर देख। अब आप लोगों को ये वाला एरिया दिखाता हूँ, इसमें अजगर सांप है, टर्टल है और मोर वगैरह है। तो चलिए चलते हैं और ये वाला एरिया देखते हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ है पब्लिक में, ठीक, इतने सारे लोग आए हैं देखिए, बहुत ज़्यादा भीड़ है। यहाँ पर है अजगर सांप, अजगर सांप है यहाँ पर। हाँ भाई चलते हैं और जाते हैं। इधर यहाँ पर है कबूतर, ये वाइट वाला कबूतर, ग्रे वाला कबूतर, और यहाँ पर है कछुआ। कछुआ है, इससे बड़ा बड़ा कछुआ रायपुर के सरोना तालाब में। यहाँ पर है खरगोश, तो है एडजुटेंट स्टॉर्क। देखिए लंबा लंबा टांग है इसका। और यहाँ पर है मोर, पीकॉक। चलते हैं इधर, और भी मोर है बहुत सारे, तीन मोर यहाँ पर है और एक मोर वहाँ पर बड़ा।
यहाँ पर है सेही, वो अंदर में कोने में कॉमन लंगूर, कॉमन लंगूर ये कॉमन लंगूर है। गाइस ये था भिलाई का मैत्री बाग जू, मैंने आपको सभी तरह के जानवर दिखा दिए, यहाँ पर कौन कौन से जानवर हैं, आप भी यहाँ आ सकते हैं घूमने के लिए, बहुत ही खूबसूरत है। तो आपको हमारा आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे आपको और भी अच्छे अच्छे ब्लॉग्स मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवाहर, जय हिंद, जय सर।